या तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, अपने आप से घर बैठे पैसे कमाएंगे, या फिर उनकी नौकरी लगवा कर देंगे, और जब उनकी नौकरी लग जाएगी तब उनको फीस देनी है, उसके बाद आपकी मैं नौकरी लगवाऊंगा। अगर आपकी नौकरी लग गई तब तो आपको मेरी फीस देनी है, अगर मैं आपकी नौकरी नहीं लगा पाया वो भी 60 दिनों के अंदर, 60 डेज के अंदर, 61वें दिन नौकरी लगाई तो आपको मेरी फीस नहीं देनी है। कि 18 साल से 35 साल की उम्र का बच्चा होना चाहिए, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर ऑन ऑफ करना आता हो, इंग्लिश की ABCD ढंग से आती हो, मतलब फूटी फूटी इंग्लिश बोल लेता हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, वेलकम टू माय चैनल अंजू जादन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज। यहाँ आपको सबसे पहले कोर्स को सिखाया जाएगा और फिर आपको जॉब दिलाई जाएगी, और उसके बाद में जब आप जॉब में सेटल हो जाए उसके बाद आपको पेमेंट करना है, एक भी रुपए आपको पेमेंट नहीं करना है। और हाँ, आपने क्या कभी सुना होगा कि आप डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए और आपने पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर दी उसके बाद आपको पेमेंट देना पड़े, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। या आपका बच्चा स्कूल में एडमिशन हो गया और उसकी पूरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई फिर उसके बाद आपने पेमेंट किया, नहीं सुना ना। तो बस आज आपके लिए मैं बेहतरीन ऑप्शन लेकर आई हूँ, प्रीपेड और पोस्टपेड टाइप की। सर, आप कहाँ से, आपको किस तरह से फ्रेंचाइजी लेनी है, उसके लिए हमारे सर साथ हैं आशीष सर। तो सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सर, आप बताइए आज क्या बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप हमारे व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं लोगों को। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज के दिन हिंदुस्तान में एजुकेशन एक बिजनेस बन गया है, जबकि एजुकेशन बिजनेस नहीं होना चाहिए, एजुकेशन एक सर्विस होना चाहिए। बट ऑब्वियसली जो इसमें काम कर रहे हैं उनको भी अपने घर चलाने हैं, अपने खर्चे चलाने हैं, सिस्टम चलाने के खर्चे हैं, तो कोई ना कोई फीस तो जरूर होगी। सो मैम, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि आप आए और आप इतना बढ़िया वीडियो शूट कर रहे हैं आज। आज मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। क्या आपने कभी कोई एजुकेशन प्रीपेड और पोस्टपेड में सुनी है? मोबाइल तो सुना होगा, हमने तो नहीं सुनी। मोबाइल तो सुना होगा कि मोबाइल का सिम लेंगे तो प्रीपेड में ले लो या पोस्टपेड में ले लो। एजुकेशन नहीं सुना है, नहीं सुना है। देखिए, हो क्या रहा है आज के दिन एजुकेशन में, लोग एजुकेशन को एज ए सर्विस ना लेकर एज ए बिजनेस ले रहे हैं, बिजनेस ले रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने इसको बिजनेस तो है ही, बट ऑब्वियसली हमें अपने खर्चे चलाने हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन साथ साथ में हमने इसको एज ए सर्विस जोड़ दिया है। लोगों को हम ऐसा कोर्स दे रहे हैं जिस कोर्स के करने के बाद या तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, अपने आप से घर बैठे पैसे कमाएंगे, या फिर उनकी नौकरी लगवा कर देंगे, और जब उनकी नौकरी लग जाएगी तब उनको फीस देनी है। तो सर, इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा? मैं बिल्कुल बताता हूँ यहाँ पर क्या है। सबसे पहले बेनिफिट की बात तो करेंगे, लेकिन कोर्स क्या है, इसके बेनिफिट क्या, कोर्स के बेनिफिट क्या है, पहले बच्चों का बेनिफिट, फिर हमारा बेनिफिट, साथ ही साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बताएंगे। ये कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, और जिस इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है डीएम स्टेप्स डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पर हम आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कराते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग से बच्चा अवगत है, जैसे देखिए मैम, आप भी आज सक्सेस के उस पायदान पर हैं, किसकी वजह से हैं? डिजिटल मार्केटिंग की वजह। आज यूट्यूब आया, यूट्यूब पर आप मेहनत तो आपने करी, लेकिन आपको सहारा किसका मिला? यूट्यूब का सहारा मिला, आज प्लेटफॉर्म मिला आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, करने के लिए। आपने सीखा होगा, सीखने के बाद आपने अपनी मेहनत और लगन से एक मुकाम हासिल किया। आप मेरा चैनल देखिएगा, फ्रेंचाइजी बताओ, बिल्कुल इसी तरीके से हमने मेहनत की है। बहुत सारे फेसबुकर्स, बहुत सारे लोग ब्लॉग्स लिखते हैं वेबसाइट के ऊपर, बहुत सारे लोग फेसबुक पर लीड चलाकर बिजनेस के लिए लीड जनरेट करते हैं, वेबसाइट के ई कॉमर्स वेबसाइट बना लेते हैं और ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं, अमेज़न के थ्रू सेल्स कर रहे हैं, या फिर दूसरे का बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? डिजिटली प्रमोट कर रहे हैं। तो आज का जो समय आ गया है, डिजिटल समय आ गया है, और डिजिटली अगर आप एडुकेटेड नहीं हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और आज के दिन अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में लाखों नौकरियां हैं, और एक
बच्चे ने अगर अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लिया तो उसके लिए नौकरी की कमी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर किसी ने अच्छे से कर लिया तो वो खुद से भी सेल्फ डिपेंडेंट बन सकता है, वो यूट्यूबर बन सकता है, वो फेसबुक पर कर सकता है, वो अफिलिएट मार्केटिंग के जरिए पैसे कमा सकता है। आप गूगल पर सर्च करिए कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद आप कितने तरीके से पैसे कमा सकते हैं। मैं यहाँ पर बोलता रहूंगा और उससे ज्यादा तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। नौकरियां कितनी अवेलेबल, आप गूगल करके देख लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में कितनी नौकरियां अवेलेबल हैं। आपको यकीन हो जाएगा जो मैं कह रहा हूं वो 100% सच है। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है कि बच्चों को सही तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा, नहीं मिल रही है बच्चों को। ये दिक्कत के नाम पे एक तरह से बिजनेस बना लिया, बिजनेस हो गया। अब हो क्या रहा है, हम लोगों ने क्या किया कि जब मेरा भी बिजनेस चल रहा है, मेरे भी कई सारे बिजनेस हैं, मुझे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग के बच्चों की जरूरत थी। मैंने बहुत सारे अलग अलग जगह से बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया, उनसे 10 सवाल पूछे, उनको उन सवालों का जवाब नहीं आता है। अब जब सवालों का जवाब नहीं आता, मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कि उनको सही तरीके से एजुकेशन नहीं दिया चुका है बच्चों का। और हो क्या रहा है, आज आप सर्च करिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे और बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको 100% मनी बैक गारंटी दे रहे होंगे, जॉब गारंटी दे रहे होंगे। गारंटी के नाम पे तो बहुत कुछ मिल रहा है आपको, लेकिन क्या जॉब मिल रही है? नहीं मिल रही, जॉब तो मिल ही नहीं रही है। अब मैं बोलता हूँ कि हम बोल रहे हैं कि जॉब की गारंटी है, हम ऐसा बोलते ही नहीं है। क्या हमने क्या किया? तो सर आप गारंटी कैसे दे सकते हैं? हम गारंटी नहीं दे रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, आज आप आइए हमारे इंस्टीट्यूट में, आप पढ़ाई करिए, 4 महीने की पूरी पढ़ाई कराऊंगा आपको, लाइव इंटर्नशिप करवाऊंगा 1 महीने की, और उसके बाद आपकी मैं नौकरी लगवाऊंगा। अगर आपकी नौकरी लग गई तब तो आपको मेरी फीस देनी है, अगर मैं आपकी नौकरी नहीं लगा पाया वो भी 60 दिनों के अंदर, 60 डेज के अंदर, 61वें दिन नौकरी लगाई तो आपको मेरी फीस नहीं देनी है। जब आपके पैसे लगे ही नहीं तो आपको फिर क्या डर है, फिर कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं। इसमें ज्वाइन कैसे करेंगे? देखिए, आपको ज्वाइन करना है तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि 18 साल से 35 साल की उम्र का बच्चा होना चाहिए, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर ऑन ऑफ करना आता हो, एक्सेल और वर्ड चलाना आता हो, सब बच्चों को आता है, इतना अगर बेसिक उसको नॉलेज है, इंग्लिश की ABCD ढंग से आती हो, मतलब फूटी फूटी इंग्लिश बोल लेता हो, अगर इतना कुछ आता है तो आप आइए। अभी दिल्ली और मुजफ्फरपुर में हमारे सेंटर है, अभी हम अपनी फ्रेंचाइजी पैन इंडिया खोल रहे हैं, फ्रेंचाइजी के बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आप दिल्ली सेंटर और मुजफ्फरपुर सेंटर बिहार में 2 सेंटर अभी हमारे लाइव चल रहे हैं, आप यहाँ पर आइए, आप इनरोल करिए। इनरोल करने के लिए एक कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, ₹500 आपको पे करने पड़ते हैं लीगल फीस के, क्योंकि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके एक पेरेंट की गारंटी और साथ साथ में आपके साथ एक कोर्ट एग्रीमेंट होता है। अच्छा, ₹500 दे कोर्ट का एग्रीमेंट हो, बिल्कुल, क्योंकि बच्चा आज मैं 4 महीने पढ़ा रहा हूँ, हाँ। बाद में बच्चा गायब हो गया, मैं कहाँ ढूंढूंगा उसको, कहाँ ढूंढे, नौकरी लगा दी उसकी मैंने, वो बच्चा आई नहीं रहा पैसे देने के लिए, मैं कहाँ जाऊंगा उसको। तो लीगली तो बाउंड करना पड़ेगा बच्चों को। वैसे तो हिंदुस्तान के बच्चे ऐसे नहीं है, आज आप किसी के लिए मेहनत करेंगे गुरु को, मतलब कि माँ बाप से ऊपर का दर्जा दिया जाता है, दक्षिणा तो देनी पड़ती है, देनी पड़ती है। नहीं, हमारे हिंदुस्तान और भारतवर्ष के बच्चे ऐसे हैं, गुरु को माँ बाप से ऊपर का दर्जा देते हैं, लेकिन फिर भी लीगली हमें अपने बिजनेस को मजबूत करना पड़ता है। तो लीगली आपको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है जिसकी ₹500 फीस है, केवल आपको वही देनी है, कोई ज्यादा फीस भी नहीं है, ₹500 क्यों लग जाएगा ना, कोर्ट का एग्रीमेंट आएगा, नोटरी होगा, सब कुछ खर्चे हो जाएंगे, सारा खर्चा वही है। आप अपने आप से कराएंगे तो ₹5,000 लग जाएंगे उसके, लेकिन चूंकि हमारा एक फिक्स है तो ₹500 में हो जाएगा काम। तो अब यहाँ पर समझिए कि आपको 4 महीने तक तो कुछ देना ही नहीं है, क्यों नहीं देना, 4 महीने तक आपकी पढ़ाई चलेगी, 4 महीने के बाद आपकी नौकरी लगेगी, नौकरी लगते ही भी पैसे नहीं देने हैं। पैसे कब देने हैं यहाँ पर आप समझिए, वो गरीब बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के लिए, वो लोग जो पैसों की वजह से अपने करियर को सेट नहीं कर पा रहे हैं, 4 महीने तक वो पढ़ाई करेंगे, उसके बाद उनके पैसे कहाँ से आएंगे, पेड़ तो लग नहीं गया, कोई नहीं दे पाएंगे ना, पैसे तब मिलेंगे जब उनको नौकरी लगेगी, नौकरी लगने के जब उनको तनख्वाह मिलेगी, तो तनख्वाह में से आधी तनख्वाह आपको रखनी है, आधी तनख्वाह हमें देनी है। 10,000 की तनख्वाह लगी ₹5,000 दे दो, 20,000 की तनख्वाह लगी ₹10,000 दे दो, 1,00,000 की तनख्वाह लगी ₹40,000 दे दो, मतलब कि मैक्सिमम फीस जो हमारी है ₹40,000 आपको पे करनी है, EMI में पे करनी है। अच्छा, EMI में, जैसे कि 10,000 की तनख्वाह लगी ₹5,000 8 महीने दे दो, 10,000 मिले 5,000 आप 8 महीने तक दे दो, 20,000 की तनख्वाह लग गई ₹10,000 4 महीने दे दो, तो हर महीने पे करने हैं, हर महीने टोटल 40,000
टोटल 40,000 पे करने हैं। सर ऐसा हो सकता है कि किसी जैसे दो महीने में कोई उस फीस को जब मर्जी दे दे, आपकी जैसी जैसी नौकरी लगी है, जैसे जैसे आपको तनख्वाह मिल रही है, नौकरी में कम पैसे मिलते हैं तो वन टू वन 50% आपको देना है। आपको 50% घर लेके जाना है, 50% हमें देना है। हम जब आपको नौकरी लगवा रहे हैं, हमारी पूरी प्लेसमेंट सेल है, हम लोगों ने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। जिस दिन बच्चा एडमिशन होता है, पहले महीने से ही हम उसका बायोडाटा, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स, साथ साथ में लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कराना शुरू कर देते हैं, जिससे कि बच्चे का शुरू दिन से ही नौकरी के प्रति और काम के प्रति रुचि जग जाती है और वो बच्चा आराम से किसी भी जगह पर सर्वाइव कर पाता है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे 4 महीने के बाद बोलेंगे मुझे नौकरी करनी नहीं। क्यों नहीं करनी? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक सेल्फ डिपेंडेंट कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो नौकरी की जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं रहेगी, उससे ज्यादा नौकरी से ज्यादा कमाने लगेंगे। तो उन बच्चों को फीस पहले या दूसरे महीने में ही पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो नौकरी नहीं चाहते हैं। जो नौकरी चाहेंगे उनको तनख्वाह में से पे करनी है, जो नहीं चाहेंगे उनको पहले दूसरे महीने में ही पे करनी पड़ेगी। इतना सिंपल और इतना बढ़िया बिजनेस मॉडल आपके लिए लेकर आए हैं। पढ़ाई करो, उसके बाद नौकरी करो, फिर फीस दो। अब ये चीजें, ये आपको करना है। अब साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं, इसके साथ में सर फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो किस तरह से दे रहे हैं आप फ्रेंचाइजी? अब देखिए कि अब बच्चा, अभी हमारा मुजफ्फरपुर और दिल्ली में सेंटर है, बच्चा बिहार से भी आएगा, बच्चा बंगाल से भी आएगा, बच्चा गुजरात से भी आएगा, कहीं से भी आएगा। तो हम चाहते हैं कि जहाँ के बच्चे हो उनको वहीं पर एजुकेशन मिल जाए। ऑनलाइन एजुकेशन? ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। ऑफलाइन यहाँ पर ऑनलाइन हम लोग करवाते ही नहीं है, बच्चे को सेंटर आना पड़ेगा, लैपटॉप या कंप्यूटर मैंडेटरी है, सेंटर पर आकर उसे पढ़ाई करनी है। क्योंकि जब तक बच्चा सेंटर पर नहीं आएगा, टीचर उसे काम करते हुए देखेगा नहीं, उसकी तरक्की नहीं होगी। तो सर जैसे कोई, जैसे मान लीजिए कोई गुजरात में से बच्चा है, तो वहां पे क्या उसको सेंटर मिलेगा या दिल्ली में है? वही मैं बोल रहा हूँ कि हमें जगह जगह सेंटर खोलने हैं। अच्छा, अलग अलग जगह सेंटर खोलेंगे। अब सेंटर कैसे खुलेंगे? फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए खुलेंगे। आप पूरी इंडिया में कहीं से भी हैं, आप डीएम स्टेप्स की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, और फ्रेंचाइजी लेकर आपको एक सेंटर खोलना होता है। सेंटर खोलने का तरीका क्या है? 1,00,000 रुपए फ्रेंचाइजी फीस है, 600 square feet आपको जगह चाहिए, जहां पर आपको 2 classrooms और 1 counseling room, जैसे इतना बड़ा हम कमरे में बैठे, इतना बड़ा एक काउंसलिंग रूम चाहिए, जहां पर 2 बच्चों के साथ आमने सामने बैठकर बात कर सको। अच्छा, जो लोग फ्रेंचाइजी से जुड़ेंगे उन्हें 1,00,000 रुपए पे करना पड़ेगा, 1,00,000 रुपए पे करना पड़ेगा फ्रेंचाइजी फीस के नाम पर। और उसके बाद जितनी भी आपकी कलेक्शन आएगी उसका 40% आपकी इनकम है, 60% आपको आगे देनी है, वो आपको करना है। 60% सीधा आपकी कमाई है, 40% आपको प्लेसमेंट के नाम के, कोर्स करिकुलम के नाम के, मार्केटिंग के नाम के, सर्टिफिकेट के नाम के, एग्जाम के नाम के आपको पे करने हैं डीएम स्टेप्स को। आपके बच्चों को केवल एडमिशन आपको कराना है, पढ़ाना है, उनके प्लेसमेंट की चिंता आपको नहीं करनी है, प्लेसमेंट डीएम स्टेप्स कराएगा। क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? प्लेसमेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हम करवा रहे हैं मैडम, यहाँ पर हम काम करवा रहे हैं। तो सर आप बहुत अच्छा मौका लेकर आए हैं सभी लोगों के लिए, जो लोग बेरोजगार हैं, कुछ करना चाहते हैं, और जो बच्चे हैं जिनको पढ़ना है पर उनके पास पैसा नहीं है, तो उनके लिए आपने बहुत अच्छा मौका लेकर आए हैं। तो सर मैं आपका थैंक यू कहना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेंचाइजी को लेना चाहते हैं या अपनी एजुकेशन बढ़ाना चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, तो सर से कॉन्टैक्ट करने के लिए हमने सर का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मेक इन इंडिया और हैव अ नाइस डे।